हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, है ना। और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आपकी इसी स्टडी को और अच्छा करने के लिए हम फिर से आ गए हैं एक नए चैप्टर के साथ। और वो चैप्टर क्या होगा तो वो आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा, है ना। तो उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, हम थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब क्या डिस्कशन करना है, अब ध्यान दीजिए बच्चों, है ना। फिर से हम क्या करते हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे बना लेते हैं, है ना। ये देखो कितने ही प्यारे बच्चे हैं, और एक बना लेते हैं ये देखो, इनके हाथ कितने ही प्यारे प्यारे हैं, है ना। अब बच्चों क्या हुआ, इसका नाम है सोनू, इसका नाम है सोनू, और इसका नाम है बच्चों क्या, मोनू। क्या है? मोनू। अब ये जो सोनू है ये मार्केट में गया, और मार्केट में जैसे ही गया तो ये क्या लाया, एक चॉकलेट लाया, है ना। चॉकलेट आप सबको बहुत पसंद है ना, तो ये भी एक चॉकलेट लाया। लेकिन चॉकलेट कितने रुपीज़ में लाया, वो चॉकलेट लाया 10 रुपीज़ में। चॉकलेट लाया बच्चों कितने रुपीज़ में, 10 रुपीज़ में, है ना। एक चॉकलेट लेके आया, और लाने के बाद क्या हुआ, जैसे ही वो घर पे आया तो घर पे मोनू ने कहा कि एक काम कर, ये तो चॉकलेट मुझे दे दो। तो सोनू ने कहा कि मैं चॉकलेट दे तो दूंगा, चॉकलेट मैं दे तो दूंगा, लेकिन मैं इसको 15 रुपीज़ में दूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, 15 रुपीज़ में दूंगा। अब ऐसा करने से क्या हुआ बच्चों, मोनू ने कहा कि काम करते हैं, दुकान पे जाना होगा, इससे तो बेहतर यही है कि मैं इसी से ले लेता हूँ, है ना, आना जाना मेरे को नहीं पड़ेगा। अब क्या हुआ, इसने इससे 15 रुपीज़ में चॉकलेट बाई कर ली। तो बच्चों आप ये देख सकते हो, ये जो सोनू है ये पहले किसी से चॉकलेट कितने में लाया था, 10 रुपीज़ में, है ना, लेकिन इसने इसको सेल कितने में कर दिया, 15 रुपीज़ में। ऐसा करने पे सोनू को बच्चों कितने रुपीज एक्स्ट्रा मिले, सोनू को मिले 5 रुपीज एक्स्ट्रा, 5 रुपीज एक्स्ट्रा। और जब हमें 5 रुपीज एक्स्ट्रा मिले तो जो एक्स्ट्रा मिलता है बच्चों उसी को हम बोलते हैं प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रॉफिट। अच्छा अब सपोज करो यही चॉकलेट अगर मोनू, अगर यही चॉकलेट बच्चों मोनू इसको 8 रुपीज में बाई करता, कितने में, 8 रुपीज में, तो ऐसा करने पे क्या होता, ऐसा करने पे इसको 2 रुपीज का लॉस हो जाता, यानी कि माइनस में चला जाता। तो माइनस में बच्चों जाने का मतलब क्या होता है, माइनस में जाने का मतलब होता है लॉस। क्या होता है, लॉस हो गया। तो यही जो दो मेन वर्ड हैं यही हमको पढ़ने हैं, कौन कौन से बच्चों, एक है आपका प्रॉफिट और एक है आपका लॉस। तो चैप्टर का नाम भी क्या हो गया, चैप्टर का नाम भी हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस। तो आइए जरा प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बच्चों, तो नाम क्या होगा चैप्टर का, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। अब बच्चों इसमें ना दो चीजें होती हैं, है ना, इसमें दो चीजें, तो कौन कौन सी, पहले उसी को पढ़ते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। तो जो सबसे पहला होता है कॉस्ट प्राइस, क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, और इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं बच्चों इसको सीपी। क्या लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं इसको सीपी। सीपी का मतलब भी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है बच्चों, एक ऐसा प्राइस जिसको आप परचेज करते हो, है ना। जैसे मान लीजिए ये लड़का है, ये एक लड़का है, ये मार्केट गया, है ना, और मार्केट में गया और उसने कोई भी सामान खरीदा, कोई भी सामान खरीदे, जैसे मान लीजिए 10 रुपीज, तो जिस पर हम सामान कोई खरीदते हैं, है ना, कोई भी आर्टिकल हम परचेज करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं उसका सीपी। क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं उसका सीपी। और जस्ट इसी का उल्टा, जब हम सामान को लाके, है ना, जब हम किसी भी आर्टिकल को लाके बच्चों से सेल कर देते हैं तो वही क्या बन जाता है, वही बन जाता है आपका सेलिंग प्राइस। क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस। तो देखो लिखा हुआ है ना, द प्राइस और अमाउंट एट विच एन आर्टिकल इज बॉट और परचेज, है ना। एक ऐसा प्राइस जिस पर कोई भी आर्टिकल बच्चों क्या किया जाता है, खरीदा जाता है ना, क्या किया जाता है, खरीदा जाता है। अब इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, बॉट भी और परचेज्ड भी। और ऐसा कोई अमाउंट जिस पर हम क्या करते हैं बच्चों, उसे सोल्ड करते हैं, क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो गया। अब बच्चों ऐसा करने पर हमें दो चीजें होती है ना, जब हम खरीदते और बेचते हैं तो या तो हमें प्रॉफिट होगा या फिर हमें लॉस होगा। क्या होगा, या हमें प्रॉफिट होगा या तो हमें लॉस होगा। तो बच्चों यहीं से दो चीजें निकल के आती हैं, एक होता है प्रॉफिट जिसको हम अलग से गेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गेन भी बोलते हैं। तो बच्चों गेन कब होगा या प्रॉफिट कब होगा, जब आपका सीपी बच्चों क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा किससे, एसपी से, है ना, कि जब हम कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा। जैसे मैं इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो आपने 10 रुपीज में खरीदा, है ना, और 15 रुपीज में बेचा, तभी तो उसको क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, आपको यस सर।
अब ऐसी बात करते हैं बच्चों किसके लॉस पे, लॉस कब होगा, तो लॉस आपका जब होगा जब हम क्या करेंगे बच्चों, खरीदेंगे ज्यादा में और बेचेंगे कम में। अब सपोज करो आपने वही आर्टिकल 10 रुपीज में खरीदा होता है ना और 8 रुपीज में बेचा होता, तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है आपको लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये दोनों बातें याद रखेंगे, क्या कि लॉस कब होगा, लॉस जब होगा जब सीपी ज्यादा होगा एसपी कम होगा, है ना, और प्रॉफिट कब होगा, जब सीपी ज्यादा होगा और सीपी कम होगा और एसपी क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा, है ना। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। तो बच्चों कुछ फॉर्मूले होते हैं, है ना, कुछ फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ने हैं हमें, है ना, ध्यान दीजिए जरा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन कौन से हैं। कहता है प्रॉफिट, बच्चों प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट का फॉर्मूला है SP माइनस CP, और लॉस का फॉर्मूला क्या है, लॉस का फॉर्मूला है CP माइनस SP, हमेशा ज्यादा में से कम वाले को ही घटाएंगे, ये भी याद आप रख सकते हैं ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और बच्चों देखो प्रॉफिट परसेंट है ना, अब ये भी पूछते हैं कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट का लॉस हुआ, तो बच्चों इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि प्रॉफिट हो या फिर आपका लॉस हो, पी फॉर प्रॉफिट एल फॉर लॉस, है ना, तो प्रॉफिट और लॉस हो, ये बच्चों हमेशा किस पर कैलकुलेट किया जाता है, सीपी पर। किस पर कैलकुलेट होगा, हमेशा सीपी पर ही कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा ऐसे ही क्यों बताया मैंने, तो मैंने लिखा प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100, लॉस अपॉन सीपी इंटू में 100। अभी हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, है ना, इसके आगे के फॉर्मूले हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो चारों फॉर्मूले हमने पढ़ लिए, अब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जरा देखते हैं आगे चलते हैं। कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 625। बच्चों जरा ध्यान से देखो क्या कहता है, ये जो आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 625, और उसके बाद आपका जो सोल्ड है, सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस, है ना, सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना है 700 रुपीज। अब आप ये देखो, है ना, ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा बच्चों कि कम में खरीदा है और ज्यादा में बेचा गया है ना, परचेज कम में किया गया है, सोल्ड ज्यादा में किया गया है, इट मीन समय क्या होगा, इट मीन समय यहाँ प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट कितने का होगा, तो प्रॉफिट करने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू को माइनस करेंगे, तो 700 माइनस 625 और माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 75 रुपीज़। अब देखो 75 बच्चों कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, दो जगह है, प्रॉफिट भी है लॉस भी है, लेकिन हमें पता है ना आंसर कौन सा, प्रॉफिट वाला है ना, क्योंकि हमें तो प्रॉफिट हुआ है। ओके चलिए आगे चलते हैं, देखिए अब फिर से कहता है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 850 रुपीज। कॉस्ट प्राइस बच्चों कितना है, कॉस्ट प्राइस है आपका 850 रुपीज, और सेलिंग प्राइस कितना है, सोल्ड फॉर 745। अब जरा ध्यान से देखो कि ज्यादा में खरीद लिया गया और कम में बेच दिया गया, तो आपको सर इसमें तो हमें लॉस होगा, इसमें हमें क्या होगा, लॉस होगा, और लॉस कितने का होगा बच्चों, लॉस होगा माइनस कर देंगे, किस में से माइनस करना है, बड़ी वैल्यू में से ज्यादा वैल्यू को माइनस कर दीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, आंसर आपका आ जाएगा 105। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो देखो जरा कहां पे है, ये रहा 105, क्या हो गया, लॉस, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। देखो कितना आसान है प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। अब आगे आ जाते हैं, फिर बच्चों कहता है अ बाइक वाज परचेज्ड फॉर 45,000 एंड सोल्ड फॉर 50,000 आफ्टर स्पेंडिंग 10,000 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन, देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो, कहता है एक बाइक है, उसको परचेज किया गया है ना, परचेज करने का मतलब क्या होता है, सीपी, तो बच्चों सीपी कितना हो गया, सीपी आपका दिया 45,000 है ना, और उसको सेल कितने में किया गया बच्चों, सोल्ड फॉर 50,000 है ना, तो उसको सोल्ड किया गया है बच्चों, सोल्ड किया गया है 50,000 में, सोल्ड किया गया है 50,000 में। अब इसके बाद भी एक और कहता है, कह रहा है आफ्टर स्पेंडिंग, बच्चों खर्च किया गया है, क्या 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 है, स्पेंडिंग एक्स्ट्रा में, और जब भी हम कोई सामान लाते हैं उस पर एक्स्ट्रा हम क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, वो हमेशा वैल्यू किस में ऐड होगी, वो वैल्यू हमेशा आपकी सीपी में ऐड होगी, है ना, कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होगी, तो 10,000 जो सीपी में ऐड हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग बच्चों 10,000 कितना हो जाएगा, अब ये सीपी हो गया आपका 55,000, कितना हो गया 55,000। अब आपको बताने कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस, है ना, देखो बच्चों जरा ध्यान से, ज्यादा में खरीद लिया कम में बेच दिया, इसका मतलब सर लॉस हो गया, और लॉस कितने का हुआ, तो डायरेक्ट करते हैं 55,000 माइनस 50,000 है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 5,000
5000 रुपीज का बच्चों क्या हो गया है, लॉस हो गया है। 5000 रुपीज का बच्चों क्या हो गया है, लॉस हो गया है। और बच्चों देखो लिखा होता है ना फाइंड प्रॉफिट और लॉस, इसका मतलब है या तो प्रॉफिट या फिर लॉस, दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, है ना। या तो प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा, लॉस होगा, दोनों चीजें कभी भी एक साथ नहीं हो सकती हैं, है ना। आगे चलिए, फिर कहता है देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि अ टॉय वाज परचेज फॉर 450 एंड सोल्ड फॉर 600। देखो भाई देखें जरा, कहता है सीपी कितना है, सीपी है आपका 450, लेकिन उसको सेल कितने में किया गया है, सेल किया गया है 600 में, लेकिन लेकिन बच्चों क्या है, अलग से एक्स्ट्रा स्पेंड किया गया, कितना 250, है ना, 250 क्या गया एक्स्ट्रा स्पेंड किया गया है। तो स्पेंड करने का मतलब सीपी में ऐड हो जाएगा, तो अब सीपी कितना हो जाएगा बच्चों, 450 और 250 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 700, कितना जाएगा 700 हो गया। तो अब देखो फिर से कंडीशन क्या हुई है ना, किसका को सर लॉस हो गया, लॉस कितना हो गया, तो लॉस हो गया 700 माइनस 600, इट मींस लॉस हो गया आपको 100 रुपीज का। कितने रुपीज का लॉस हो गया बच्चों, 100 रुपीज का लॉस हो गया। तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, फिर कहता है बच्चों रमेश बायज अ वॉच, रमेश क्या करता है बच्चों, एक घड़ी को खरीदता है ना। तो खरीदने का मतलब भी क्या होता है, पहले तो पैसे देने पड़ेंगे, तो पैसे दिए बच्चों तो क्या हो गया, अब वो हो गया आपका सीपी, तो सीपी कितना हो गया 500 एंड सोल्ड इट टू हिज फ्रेंड फॉर 600 रुपीज, और अपने ही फ्रेंड को, देख रहे हो अपने ही दोस्त को चूना लगा दिया 600 रुपीज में, एक्स्ट्रा करके बेच दिया, लेकिन है ना, लेकिन बच्चों कहता है देन फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लॉस या प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो सबसे पहले तो ये पता करो कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, तो आप कहोगे सर ये तो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हो गया कितने का 100 रुपीज का। अब डायरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं बच्चों, है ना, इसको इसमें से माइनस कर दो, इसको इसमें से माइनस कर दो, तो कितना आएगा 100 आएगा, और वही 100 रुपीज क्या है यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, है ना। अब आपसे क्या पूछा गया, पूछा गया प्रॉफिट परसेंट। तो बच्चों मैंने आपको बताया था ना प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू में 100, है ना। प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, हमेशा अपॉन में क्या आएगा बच्चों, सीपी आएगा, है ना, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। अब जरा कैलकुलेट करिए, देखिए प्रॉफिट कितना है 100 का, सीपी कितना है बच्चों 500 का, है ना, और 100 की जगह 100, तो बच्चों 00 से 00 कैंसिल हो गई, क्या बचा 5, और 5 से कैंसिल करो, तो 5 से कैंसिल करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 20, है ना। इट मींस आपको प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ है बच्चों, प्रॉफिट हुआ है 20% का, प्रॉफिट हुआ है 20% का, तो 20% प्रॉफिट इज द राइट आंसर, ठीक है, ऐसे इसको कर सकते हैं, ओके। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है सुरेश बायज अ बैग, इस बार बच्चों सुरेश आ गया है ना। अब सुरेश क्या करता है, एक बैग को खरीदता है, कितने रुपीज में, बैग को खरीदने का मतलब सीपी हो गया, यानी कि 400 रुपीज, ये तो बच्चों क्या हो गया आपका, ये हो गया सीपी, एंड सोल्ड टू हिज फ्रेंड फॉर 500, और अपने ही फ्रेंड को क्या कर देता है, अपने ही फ्रेंड को सोल्ड कर देता है, तो कितने रुपीज में सोल्ड करता है 500 रुपीज में, है ना, 500 रुपीज में सोल्ड कर देता है। देन फाइंड हिज प्रॉफिट एंड लॉस, आपको सर पहले प्रॉफिट और लॉस तो निकालो, तभी तो परसेंटेज कैलकुलेट होगी। अब परसेंटेज देखो क्या है बच्चों, पहले तो प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट हो गया ना 400 का सेल किया है ना, 500 में सेल कर दिया, तो कितना हो गया 100 रुपीज का हो गया प्रॉफिट, 100 रुपीज का हो गया प्रॉफिट। अब हम क्या निकालते हैं, परसेंट प्रॉफिट, तो बच्चों परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हुआ, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू में 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू में क्या हो गया बच्चों 100 हो गया। अब जरा वैल्यू पुट कर दीजिए, प्रॉफिट हो गया कितना 100, सीपी कितना हो गया, सीपी है बच्चों इस बार 400, सीपी है 400, याद रखेंगे ठीक है, तो 400 अपॉन में मल्टीप्लाई 100, 00 से 00 कैंसिल, 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 25, इट मींस आंसर क्या होगा 25%। अब 25% क्या है बच्चों, प्रॉफिट, तो 25% प्रॉफिट इज द राइट आंसर, समझ गए है ना। देखो कितना आसान है, कितना आसान है, बस खाली प्रॉफिट और लॉस निकाल लो, उसके बाद छोटा सा फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर देते हैं। अब बच्चों आ जाओ, फिर से कहता है, कहता था कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 600 एंड इट सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, है ना। पहले देख रहे थे क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया बच्चों कितना, कॉस्ट प्राइस आपका 600 एंड सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, इस पर प्रॉफिट दिया हुआ है, और पूछा क्या गया है सेलिंग प्राइस, क्या पूछा गया बच्चों सेलिंग प्राइस। तो मैंने आपके फॉर्मूला बताता हूं, देखो जरा क्या कहता है, ध्यान से देखो, ये एक फॉर्मूला है बच्चों, क्या फॉर्मूला है, जब आपको सीपी क्या पूछा हो, एसपी पूछा ना, उसके अंदर देखो एसपी को फाइंड करने के बच्चों दो फॉर्मूले होते हैं, ये रहा एक,
है ना, एसपी और एसपी। एसपी का फॉर्मूला होता है बच्चों, यानी सेलिंग प्राइस का, कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई में सीपी, है ना। अगर लॉस गिवन होता है तो होता है 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इनटू में सीपी, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको याद ना करके एक आसान सा तरीका बताते हैं। अब वो आसान सा तरीका क्या है, है ना, वो सर बता दो आसान तरीका। आसान तरीका तो हम कर ही लेंगे, है ना। तो जरा देखो, हम वापस आ जाते हैं इसी क्वेश्चन पे। कहता है बच्चों कि कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है आपका, कॉस्ट प्राइस है आपका 600 रुपीज, है ना। और प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट है आपका 15%, प्रॉफिट परसेंट आपका 15%। और निकालना क्या है बच्चों, निकालना है एसपी, निकालना है एसपी। तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, जब भी ये क्वेश्चन है बच्चों, जब भी ये क्वेश्चन है तो आप क्या करो, आप ना सीपी को 100 लेट मान लो, सीपी को क्या करेंगे 100 लेट कर लेंगे। तो 100 लेट कर लिया, अब 100 लेट करने के बाद क्या हुआ, इसके अंदर बच्चों ऐसे एरो बनाओ, अब एरो बनाओ, देखो प्रॉफिट हुआ ना। अच्छा एक बात बताइए, प्रॉफिट को बच्चों माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे, कहो नहीं सर प्रॉफिट हमेशा प्लस ही होता है। तो बच्चों क्या करो, प्रॉफिट को ना प्लस कर दो, जितने परसेंट भी प्रॉफिट है उसको यहाँ लिख दो, कितना है 15% है तो 15 को प्लस कर दो। तो बच्चों जब ऐसा करेंगे तो हमें मिलेगा एसपी, क्या मिलेगा एसपी मिलेगा। तो एसपी कितना हो जाएगा, 100 प्लस 15 यानी कि 115। आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमने क्यों किया ऐसा, है ना। क्या बताया मैंने कि सीपी को हमेशा 100 लेट कर लेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा उसे प्लस या माइनस कर देंगे, उसके बाद क्या मिल जाएगा एसपी। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, क्या निकालना था आपको, एसपी निकालना है ना, क्या निकालना आपको एसपी निकालना है ना। तो इसी एसपी को निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, जिसको फाइंड करना उसे लिख दो ऊपर। तो बच्चों एसपी कितना है 115, उसको लिख दो ऊपर, है ना। और सीपी कितना है, सीपी है 100। हमेशा क्या करेंगे, इनमें से जो पूछा होगा, या तो सीपी पूछा जाएगा बच्चों या पूछा जाएगा एसपी, तो जो भी पूछा जाए उसको आप ऊपर रख देंगे और दूसरी वैल्यू अपने आप क्या जाएगी नीचे, और उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई किससे करनी है, जो वैल्यू आपको गिवन है, तो वैल्यू कौन सी गिवन है 600, है ना, यही गिवन है ना। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, और जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों देखो क्या होगा, 00 से 00, 115 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 115 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको 6 से। तो मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा 690, और यही आपका आंसर है, यही क्या है आपका आंसर। तो इससे आसान तरीका नहीं है, है ना। तो इसी क्या करेंगे, इसी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा, जरा देखो आगे चलते हैं। कहता है बच्चों द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 700, है ना। क्या है बच्चों 700, जरा देखो मैं यहां लिख देता हूं, आपको समझ में आएगा। जो पहले दिया लिखो कि कहता है कॉस्ट प्राइस कितना बच्चों 700, है ना, और आपको प्रॉफिट लॉस है बच्चों कितना है, सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 25% यानी कि लॉस है, लॉस कितना है बच्चों 25%। और पूछा क्या गया है, पूछा गया है फाइंड द सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस पूछना है ना। तो मैंने क्या बताया, इसको करने के लिए आसान तरीका क्या है, आप क्या करो सीपी को 100 लेट करो पहले, तो सीपी को 100 लेट किया कितना हो गया 100। अगर लॉस है बच्चों, लॉस है तो क्या करेंगे माइनस, और कितना माइनस करेंगे, जितने परसेंट का लॉस है तो 25% माइनस कर दो, है ना। तो एसपी बच्चों कितना आ जाएगा, एसपी आ जाएगा 75, एसपी आ जाएगा 75। अब आपको यही तो एसपी फाइंड करना था, अब आपको यही एसपी फाइंड करना है ना। तो इस एसपी को फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया, इस वैल्यू को लिख दो ऊपर, है ना, और 100 कहाँ जाएगा बच्चों, 100 आ जाएगा नीचे, 100 आ जाएगा नीचे, है ना। और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 700 से, है ना, जो ये वैल्यू गिवन है सीपी, इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 00 से 00 से बच्चों 00 कैंसिल, बच गया क्या 75 मल्टीप्लाई में 7, और मल्टीप्लाई कर दीजिए देखो क्या हो जाएगा, 5 7 जा 35, 7 7 जा 35 49, और 3 525 इज द राइट आंसर, है ना, 525 इज द राइट आंसर। तो ये बच्चों सबसे आसान तरीका, क्या करना है सीपी को 100 प्लस 100 लेट करना है, और प्रॉफिट या लॉस को क्या करना है, ऐड या फिर माइनस कर देना है। आगे चलते हैं जरा, अब बच्चों देखो फिर से आ गया, लेकिन इस बार क्वेश्चन अलग है। कहता है द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, है ना, इस बार बच्चों डायरेक्ट आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, कितना दिया हुआ है सेलिंग प्राइस आपका 690 का सेलिंग प्राइस। अच्छा, और सोल्ड किस पर किया जाता है बच्चों, एट 15% प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है बच्चों, प्रॉफिट है इस बार 15% का, और पूछा क्या गया है सीपी, है ना बच्चों। अभी से पहले हमने जो क्वेश्चन किया था क्या पूछा गया था, एसपी पूछा था, है ना, और सीपी गिवन था। इस बार क्या है, आपको एसपी गिवन है, सीपी पूछ लिया,
अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका भी बच्चों बिल्कुल सेम है। मैंने क्या बताया था, सीपी को 100 लेट प्लस 100 करेंगे लेट, तो सीपी को 100 लेट किया है ना, प्रॉफिट है तो सर उसको प्लस कर दो, प्रॉफिट है तो उसको प्लस कर दो, और प्लस करने के बाद बच्चों क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, तो एसपी कितना होगा 115। अब जरा ध्यान दो, मैंने क्या बताया था, जिसे हमें फाइंड करना, जैसे हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, सीपी, सीपी फाइंड करना है ना, तो जब सीपी फाइंड करना तो सीपी की वैल्यू ऊपर रखेंगे, इस बार सीपी कितना है 100, एसपी निकालना था तो एसपी ऊपर रख रहे थे, सीपी निकालना है सीपी ऊपर रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 100 अपॉन 115 मल्टीप्लाई, ये जो वैल्यू गिवन है इसी को मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, तो कितना है 690। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो 115 जो है बच्चों 690 को कितने डिवाइड करता है, 6 टाइम, कितने टाइम्स, 6 टाइम्स डिवाइड कर देता है, और 6 की मल्टीप्लाई बच्चों किससे करनी पड़ेगी, 100 मल्टीप्लाई 6, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा 600 रुपीज इज द राइट आंसर। इसमें बच्चों थोड़ा सा ऑप्शन गलत है, इसको सही कर लेंगे, बी ऑप्शन 600 इज द राइट आंसर, 600 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब समझ में आ गया होगा आपको फॉर्मूला। देखो ऐसा ही क्वेश्चन एक और है बच्चों, कहता है इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 340 रुपीज, है ना, कितना है बच्चों एसपी, एसपी है इसका आपका 340, है ना, सोल्ड कितने पे किया गया है, 15% लॉस, सोल्ड क्या क्या बच्चों, लॉस कितना है 15% लॉस, आपको निकालना है सीपी, आपको निकालना है सीपी। अब बच्चों क्या हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, अब डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको कोई यस सर क्यों नहीं कर सकते, देखो जब सीपी को निकालना है तो आपको पता है सीपी तो हमेशा 100 होता था, सीपी क्या होता है हमेशा 100 ही होता है ना, और एसपी क्या होता है बच्चों, एसपी होता है लॉस होगा तो प्लस कर देंगे और प्रॉफिट होगा तो माइनस कर देंगे, तो आप देखो क्या लॉस है तो 100 में से मैं इसे माइनस कर दूं कितना आ जाएगा 85, डायरेक्ट लिख दूं, देखो यहां लिख के दिखाता हूं, सीपी कितना है बच्चों 100, और 100 में से कितना माइनस करना है आपको, 100 में से माइनस करना है 15%, तो एसपी कितना आ जाएगा, एसपी आ जाएगा 85। अब यहां पुट कर दीजिए, है ना, देखो सीपी निकालना है तो सीपी को लिखा ऊपर, अपॉन में क्या लिख दिया एसपी, मल्टीप्लाई करो बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे किससे आ जाएगा 340 से। अब जरा डिवाइड करके देखें ये दोनों किसके टेबल में आता है, सर 34 और 85 को देख के लग रहा है 70 से डिवाइड होता है, 75 जा 85 और 17 टू जा है ना 34 और 0, 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर दो सर, 54 जा 20। अब बच्चों क्या बचा, यहां से बचा है आपका 100 मल्टीप्लाई 4, तो 100 मल्टीप्लाई 4 आंसर क्या हो जाएगा 400, क्या हो जाएगा 400 रुपीज इज द राइट आंसर, है ना 400 रुपीज इज द राइट आंसर। देखो कितना आसान है ना, एक भी फॉर्मूला बच्चों नहीं लिखाना अब तक मैंने, कोई फॉर्मूले से नहीं करवाया ना, तो बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं, बस क्या करना है आपको ये बनाना होगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखेंगे, है ना, कि कब प्लस करना है कब माइनस, प्रॉफिट होगा तो प्लस और लॉस होगा बच्चों तो माइनस, है ना। आगे चलते हैं जरा, ओहो अब देखो बच्चों एक रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया, कहता है द रेशियो बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, कहता है सीपी और रेशियो किसका, सीपी इज टू एसपी इज इक्वल टू गिवन है बच्चों किसका 4:5। अब बच्चों आपको ये पता है ना, और अगर नहीं पता है तो देखो मैं बताता हूँ कि बच्चों आपका जो रेशियो होता है ना, हम रेशियो को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, रेशियो को हम कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, तो मैंने सीपी अपॉन एसपी लिख दिया और इसको लिख देंगे 4:5। अब ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये जो सीपी है ना बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 4, और नीचे क्या है एसपी, तो नीचे वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, नीचे वाले को, यानी कि नीचे क्या हो गया एसपी हो गया, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता लगा कि सीपी आपका देखो कितना हो गया, सीपी आपका हो गया 4, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस आपका हो गया 5, है ना। तो अब हमने कम में खरीदा है और ज्यादा में बेच दिया उसको, तो इस कंडीशन में क्या होगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट होगा 1 रुपीज का, है ना। इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस होता है, तो प्रॉफिट हो गया 1% का। लेकिन अब आपसे पूछा जाएगा परसेंट प्रॉफिट, है ना, यही पूछा है ना कि फाइंड लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट ही निकलेगा। क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100। अब जरा वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए प्रॉफिट कितना है बच्चों, प्रॉफिट हमने निकाला 1, सीपी कितना है, सीपी हमने निकाला है 4, तो 4 लिख दीजिए और मल्टीप्लाई में 100, और देखो 4 से ये सभी को पता है कितने टाइम्स डिवाइड होता है 25, और 25 बन जा 25% इज द राइट आंसर। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है आपको 25% का, इट मींस डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है।
क्या करेंगे, सबसे पहले आप सीपी और एसपी से क्या निकालेंगे, उनका रेशियो निकाल के उनकी वैल्यू निकालेंगे, है ना। ऊपर वाली वैल्यू हमेशा ऊपर वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि अगर ऊपर एसपी लिखा है तो ऊपर वाली वैल्यू एसपी की, अगर नीचे सीपी लिखा है तो नीचे वाली वैल्यू सीपी की, है ना। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको देखो अभी कराऊंगा, है ना। तो जरा आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों ये कहता है फाइंड द इफ द रेशियो बिटवीन द सेलिंग प्राइस। अब देखो इस बार बच्चों पहले सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस लिखो, उसके बाद गिवन है कि आपको कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस की जगह सीपी लिख दो, है ना। बड़ा क्यों लिखे हम, सीपी इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 4:5। अब देखो कहानी पलट गई, है ना। अब ऊपर लिखा है एसपी, तो ऊपर आपको एसपी ही लिखना होगा, और नीचे क्या लिखना होगा, नीचे लिखना होगा सीपी, है ना। तो अभी क्या हो जाएगा, 4/5। अब ये बच्चों आप आसानी से समझ सकते हो कि देखो सर एसपी की वैल्यू कितनी होगी, 100 बताया था ना। ऊपर वाली वैल्यू हमेशा ऊपर वाली जो लिखा होगा उसी को रिप्रेजेंट करेगा, चाहे वो सीपी हो चाहे एसपी हो। अब ऐसी कंडीशन में क्या हुआ बच्चों, जरा ध्यान देंगे, कहेंगे सर सीपी तो हो गया 5 और एसपी हो गया 4, सर यहां से मुझे एक बात तो पता लग गई, क्या कि यहां से सर लॉस हो गया, और लॉस कितने का हो गया बच्चों, लॉस हो गया 1 रुपीज का, है ना, लॉस हो गया 1 रुपीज का। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है परसेंट लॉस। तो परसेंट लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, है ना। लिख देता हूं मैं, क्या है, लॉस अपॉन सीपी इंटू में 100, है ना। तो लॉस का फॉर्मूला क्या है बच्चों, लिख दिया मैंने। अब लॉस की वैल्यू कितनी है, 1, सीपी कितना है बच्चों, सीपी की जगह सीपी ही लिखना है आपको, है ना। सीपी कितना है, 5 × 100। अब डिवाइड कर दीजिए, तो 5 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 20, और 20 बन जा 20, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 20% लॉस। तो जब भी बच्चों रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको उसको इस तरीके से करना है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, कहता है द कॉस्ट। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेलिंग आर्टिकल, इसे बच्चों ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। मैं पढ़ता हूं पहले फिर लिखेंगे। देखो कहता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल्स। अच्छा बच्चों इसको मैं कॉस्ट प्राइस को अगर ये लिख दूं कि सीपी, और आपको पता है ना ऑफ का मतलब बच्चों क्या होता है, मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, है ना। तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, तो सीपी ऑफ 36 आर्टिकल्स, तो लिख दिया सीपी ऑफ 36 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू। अब ये किसके इक्वल है, इक्वल है बच्चों इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स, है ना। किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 25 आर्टिकल्स। अब हमने ये लिख दिया, फिर कहता फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अब आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो आपको पहले सीपी और एसपी पता होना चाहिए, उसके बाद ही निकालेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप याद रखना, देखो जो सीपी के साथ लिखा होगा वो एसपी होगा, और जो एसपी के साथ लिखा होगा वो सीपी होगा। देखो सीपी के साथ क्या लिखा है, 36, तो ये क्या है बच्चों, ये है आपका एसपी, है ना। और जो एसपी के साथ लिखा है वो है सीपी, वो है क्या, सीपी। दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं ना, रेसिप्रोकल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज हो जाता है। तो इससे बचने का सबसे आसान तरीका मैंने बताया, क्या करेंगे, सीपी के साथ जो लिखा है वो एसपी, और जो एसपी के साथ लिखा है वो क्या है, सीपी। तो अब इससे हमें समझ में आया कि सर सीपी कितना हुआ, सीपी हो गया 25, और एसपी कितना हुआ, एसपी हो गया आपका 36। अब ध्यान दो बच्चों कि कम में खरीदा है ज्यादा में बेचा है, तो क्या हो गया, क्योंकि सर प्रॉफिट हो गया, कितना प्रॉफिट हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 11, है ना। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा बच्चों, 11 ही होगा। अब आपसे क्या पूछा जाएगा, परसेंट प्रॉफिट। तो परसेंट प्रॉफिट अब देखो बिना फॉर्मूले के कराता हूं बच्चों, क्या कहता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है आपका 11, है ना, प्रॉफिट है आपका 11। सीपी कितना है, क्योंकि सर सीपी है 25 और मल्टीप्लाई में 100, है ना। फॉर्मूला लिखने से बचो, तो क्या करेंगे, 25 × 100, और बच्चा बच्चों 11 × 4, और 11 × 4 क्या होगा, 11 × 4 होगा आपका 44, है ना। इट मींस 44% का बच्चों क्या हुआ है, प्रॉफिट। 44% का क्या हुआ है, प्रॉफिट। देखो कितना आसान है, कितना आसान है ना, कोई फॉर्मूला नहीं बच्चों, कोई फॉर्मूला नहीं, बस बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, है ना। आगे चलते हैं, जरा देखो एक और डाउट क्लियर करता हूं आपका। कहता है इस बार बच्चों कि सेलिंग प्राइस पहले दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू किसके है बच्चों, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स। क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स। और ये बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताई थी कि जो एसपी के साथ लिखा होगा बच्चों वो होगा सीपी, और जो सीपी के साथ लिखा होगा वो होगा आपका एसपी, वो होगा आपका एसपी। तो अब हमें पता लग गया सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 25,
और एस पी कितना हो जाएगा 16। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हो जाएगा लॉस। अब लॉस कितने का होगा बच्चों, तो लॉस होगा आपका 9 रुपीज़ का, कितने का हो जाएगा 9 वैल्यू का, है ना, लॉस हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, परसेंट लॉस। तो परसेंट लॉस का फॉर्मूला क्या है, लॉस अपॉन सी पी, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100, है ना। तो अब जरा देखो लॉस क्या है बच्चों, लॉस है 9 रुपीज़ का, है ना, 9 रुपीज़ मतलब 9 वैल्यू मान लीजिए, 9 हो गया। अच्छा अपॉन में सी पी कितना है, सी पी है 25 और मल्टीप्लाई में 100, है ना, डिवाइड कर दें 25 4 जा 100। बच्चों ये भी देखना, आप पता है क्या 25 का टेबल याद हो जाएगा आपको ऐसे, है ना, कि 25 से 4 टाइम्स में 100 डिवाइड होता ही होता है, बहुत यूज है इसका। आगे क्या बचा बच्चों, 9 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 36। तो बच्चों इसमें क्या हुआ आपको, 36% का लॉस, 36% का क्या हो गया इसके अंदर, लॉस हो गया। बस ये बात याद रखना, जो एस पी के साथ होगा वो सी पी होगा, है ना, और जो सी पी के साथ होगा वो क्या हो जाएगा, एस पी हो जाएगा। ओके आगे चलते हैं, कहता है बाई सेलिंग एन आर्टिकल पर्सन 450 गेट्स 10% लॉस, देन एट व्हाट प्राइस ही शुड सोल्ड टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 25%। अब बच्चों कहता है कि एक कोई भी आर्टिकल था, अगर मैं उसको 450 रुपीज़ में सेल करता तो मुझे कितने रुपीज़ का लॉस हो रहा था, 10% का, है ना, 10% का लॉस हुआ। तो 25% का प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट गेन करने के लिए मुझे इसको कितने रुपीज़ में सेल करना होगा, है ना, कितने रुपीज़ में क्या करना होगा, सेल करना होगा। तो देखो सबसे आसान तरीका मैं बताऊं आपको, मैंने क्या बताया था बच्चों, अगर परसेंटेज वाला क्वेश्चन आया ना तो आप ये करो, सी पी को लेट करो 100, सी पी को लेट करो 100, आपने लेट कर लिया 100। अब इसमें बच्चों दो कंडीशन है, एक है लॉस और एक है प्रॉफिट, है ना, तो आप दोनों कंडीशन बना लो, एक है लॉस एक है प्रॉफिट, है ना। तो बच्चों लॉस आपको पता है क्या करना होता है, माइनस, और प्रॉफिट क्या करना होता है आपको, करना होता है प्लस। तो लॉस कितना है, लॉस है बच्चों 10 का, और प्रॉफिट कितना है 25 का। अब आपको पता ही है ना, जब हम 100 में से परसेंटेज को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एस पी। तो बच्चों एस पी कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा एस पी 90। कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, एस पी हो जाएगा आपका 90, और यहाँ एस पी क्या होगा, यहाँ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ बच्चों आपका आ जाएगा 125। एस पी कितना आ जाएगा 125। आपको कहोगे सर इससे क्या हुआ, अब बच्चों इससे ये समझ में आया, जरा ध्यान दो, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है 125 की, है ना, प्रॉफिट परसेंट पे। लेकिन वैल्यू गिवन किसकी है आपको, इस वाली वैल्यू की गिवन है कि जब 10% का लॉस होता है तब कितने पर सेल करते हैं हम उसको, तब हम उसे सेल करते हैं 450 रुपीज़ में, है ना। तो आपको यही बताया गया है कि 125% के लिए कितने रुपीज़ में सेल करें, कितने रुपीज़ में क्या करें इसको, सेल करें। तो सबसे आसान तरीका बताऊँ उसको क्या करना है, सबसे आसान तरीका निकालने के लिए आपको ये निकालना है एस पी, क्या निकालना है एस पी। तो जिसको निकालना होता है बताया था ना आपको थोड़ी देर पहले ही, अब जब सी पी और एस पी वाला क्वेश्चन कर रहे थे, उसको लिख लो ऊपर, जिसकी वैल्यू गिवन है उसे लिख दो नीचे, है ना, और जो वैल्यू गिवन है उसे लिख दो ऊपर, ठीक है। क्या करेंगे, इन दोनों में से जो भी वैल्यू आपको गिवन है उसको लिख देंगे नीचे, और जिसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है उसे लिख देंगे ऊपर, उसे लिख देंगे आप ऊपर, है ना, और मल्टीप्लाई में जो वैल्यू गिवन है। अब देखो 90 से डिवाइड करो, 95 जा 40, क्योंकि 0 से तो 0 कैंसिल, और 125 की मल्टीप्लाई अब किस में करनी है, 5 में, 125 की मल्टीप्लाई अब किस में करनी है, 5 में। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 625 को। सर कैसे किया, तो बच्चों प्रैक्टिस है ना, यही तो प्रैक्टिस है, यही तो क्या है, प्रैक्टिस करने का तरीका है ना, प्रैक्टिस जितना करोगे उतनी कैलकुलेशन आपकी इजीली होती चली जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 625। आगे चलते हैं, अब देखो इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, कह रहा भाई सेलिंग एन आर्टिकल, इस बार बच्चों 20% प्रॉफिट है, और ये पूछा है कि 15% का प्रॉफिट होने के लिए कितने में सेल करना है उसको, है ना। तो दोनों कंडीशन बना ले जरा, मैंने क्या बताया था कि सर आपने ये बताया कि पहले तो लिख लो सी पी, सी पी को लेट कर लो 100, और दो कंडीशन बना लो जो आपको गिवन है। तो पहली कंडीशन में क्या है, 20% का प्रॉफिट है, क्योंकि सर कोई बात नहीं प्लस 20 लिख दो, और सेकंड कंडीशन में भी क्या है, सेकंड कंडीशन में है प्लस 15%, तो वहां भी प्लस कर दिया हमने। अब ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि सर ऐसा करने से आपको ना एसपी मिल जाएगा। तो यहां बच्चों सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120, और यहां सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपको, यहां हो जाएगा आपको 115। अब आपको इसी को तो निकालना है ना, इसी को फाइंड करना है कि 150 पर सेल करता है तो कितना होगा, क्योंकि 120 पर तो वैल्यू गिवन है 720, है ना। अब कैसे करें, तो मैंने क्या बताया बच्चों, जब आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना हो तो जो वैल्यू आपको पूछी गई है यानी कि 115 उसे लिखो ऊपर, है ना, और जिसकी वैल्यू गिवन हो जैसे कि 120 इसे लिखो नीचे,
है ना, और इसकी मल्टीप्लाई जो वैल्यू आपको गिवन है उससे लिख दो, यानी कि 720। अब डिवाइड कर दें, 120 से डिवाइड करो, 0 से 0 12 6 72, तो क्या बचा बच्चों, ये आया 115 मल्टीप्लाई 6, दैट इज है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 690 रुपीज़। देखो यो, एक मिनट भी नहीं लगेगी सही से क्वेश्चन को करने में, है ना, अगर क्वेश्चन करना आपको आता है तो, है ना, तो ईजिली कर सकते हैं इसे, है ना, ईजिली कर सकते हैं, ज़्यादा फॉर्मूले भी नहीं लगाने पड़ेंगे। ओके, आगे चले, आगे कहता है अ पर्सन बायज सम ऑरेंजेस, है ना, मैंगो। अब चलो बच्चों आपको ऑरेंज बेचना सिखाते हैं, है ना। कहता है अ पर्सन बायज, बच्चों बाय करने का मतलब क्या होता है, बाय करने का मतलब ये हो जाता है सीपी, है ना, और सोल्ड करने का मतलब क्या हो जाता है एसपी। तो वो कुछ ऑरेंज को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है ना, और उसे परचेज भी कर रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपको ये नहीं पता कितने ऑरेंज हैं, है ना, उसने क्या बोला, सॉरी मैंगो, कह रहा है सम मैंगोज, तो हमें मैंगो तो नहीं पता है ना कितने हैं, तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसके लिए दो कंडीशन बनाएंगे, आप एक जगह लिखोगे सीपी और उसके नीचे लिखोगे एक बार एसपी, क्या लिखोगे सीपी और क्या लिखोगे एक बार एसपी। अब उसके बाद जो भी आप बेच रहे हो, है ना, कि जैसे मैंगो है तो हमने यहाँ पे लिख लिया मैंगो, हमने क्या लिख लिया मैंगो, और यहाँ लिख लेंगे उसका प्राइस। तो बच्चों हमने कितने मैंगो कितने रुपीज में खरीदे, तो कह रहा है एट फोर रुपीज फाइव, यानी कि इसका मतलब चार मैंगोज हैं और रुपीज है बच्चों कितना, फाइव रुपीज, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, फिर कहता है कि 544 में सेल करता है, यानी कि फाइव मैंगोज को 4 रुपीज में सेल कर देता है, 4 रुपीज में क्या कर देता है, सेल कर देता है। अब बच्चों ध्यान रखना, हम कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस कब निकाल सकते हैं, जब हम जो सामान खरीदें और जो बेचें वो बिल्कुल आपस में कैसे हो, इक्वल। तो क्या यहाँ पर मैंगोज इक्वल हैं, आपको कहें नहीं सर मैंगोज तो इक्वल नहीं है, है ना, क्योंकि यहाँ तो 4 खरीद रहा है और 5 को सेल कर रहा है। तो बच्चों क्या करते हैं, इसको इक्वल बनाने के लिए इस नंबर की मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, है ना, और नीचे वाले नंबर की मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं। समझ में आ गया, क्या करना है, ऊपर वाले नंबर की मल्टीप्लाई नीचे, नीचे वाले नंबर की मल्टीप्लाई ऊपर। अब ऐसा करने से क्या होगा, तो जरा ध्यान से देखो, जब बच्चों ऐसा करने से क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई 5 से करनी होगी और इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी होगी आपको, 4 से। इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी होगी बच्चों आपको, 4 से। अब ध्यान रखना, अगर आपने मैंगोज में मल्टीप्लाई की है तो उसकी प्राइस में भी मल्टीप्लाई होगी, है ना, यहाँ भी 5 से और यहाँ किससे होगी बच्चों, 4 से। अब ऐसा करने से क्या हुआ, जरा ध्यान दो, 5 4 20, बच्चों मैंगोज कितने हो गए 20, 5 4 20, वो सर मैंगो तो बराबर कर दिया आपने, है ना, देखो 20 ही मैंगोज को परचेज किया, 20 ही मैंगोज को क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब इधर देखें 5 5 जा कितना बच्चों, 25, इट मीन्स अब इनका प्राइस कितना आया 25 का, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 4 4 16 रुपीज़, 4 4 16 रुपीज़। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, सीपी भी मिल गया और एसपी भी मिल गया, तो आप देख के बता सकते हो ना यहाँ पर हमें क्या होगा, क्योंकि सर यहाँ हमें लॉस हो जाएगा, कितने का लॉस हो जाएगा, 9 रुपीज़ का, है ना, लॉस हो जाएगा 9 रुपीज़ का। इन दोनों को माइनस कर देंगे, अब लॉस निकलने के बाद बच्चों क्या निकालना है, परसेंट लॉस। तो परसेंट लॉस का फॉर्मूला क्या है कि लॉस यानी कि 9 अपॉन में सीपी, इट मीन्स 25 और मल्टीप्लाई में 100, है ना, यही फॉर्मूला है कि लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई में 100, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई में 100। तो 25 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 25 से डिवाइड करेंगे 4 और 9 4 जा बच्चों कितना हो गया, 9 4 ये हो गया आपका 36%। तो कितने रुपीज़ का लॉस हुआ, 36% का लॉस हो गया। अब देखो आप कभी भी मैंगो जब बेचोगे या खरीदोगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता लग जाएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना क्या है बच्चों, लॉस हुआ है। क्या समझे मेरी बात को, है ना, चलो आगे चलते हैं, कुछ और बेचना सिखाते हैं। अरे सर फिर से मैंगो आ गया, तो बच्चों चलो मैंगो ही बेच देते हैं, है ना, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, जरा ध्यान दो। इसमें बच्चों हमेशा दो कंडीशन होगी, एक सीपी और एक एसपी, है ना, एक सीपी और एसपी। क्या कहता है, बाइस कर रहा है बच्चों, कितने मैंगो, 11 मैंगोज 10 रुपीज में, और सेल कैसे करता है, सेल करता है 10 मैंगोज को 11 रुपीज में। आज बेटा आम बेचना सिखाई देंगे, है ना, दशहरी आम, लंगड़ा आम, है ना, चौसा आम, और पता नहीं कौन कौन से आम होते हैं, है ना, तरह तरह के आम होते हैं, ठीक है। चलो एक होता है अल्फांसो आम, है ना, वही आम है। तो बच्चों जरा देखो, मैंने क्या बताया, सर इसमें मल्टीप्लाई करनी होगी किससे, यहाँ तो करेंगे 10 से, क्योंकि नीचे वाले नंबर की मल्टीप्लाई ऊपर करनी होती है और ऊपर वाले नंबर की मल्टीप्लाई नीचे करनी होती है ना, सही कह रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि यस सर। अब जरा ध्यान से देखें बच्चों, तो यहाँ पर मैंगोज कितने हो गए, 11 10 जा 110, यहाँ भी कितना हो गया 100, क्योंकि क्या बात है सर, क्या बात है सर, आपने तो आम बराबर कर दिए, है ना, आपने आम बराबर कर दिया। जरा बच्चों प्राइस पर आ जाओ, 10 10 जा क्या होगा
₹100, है ना, और 11-11 की करोगे बच्चों तो कितना होगा ₹121, है ना। आ रही कहानी समझ में? अब जरा ध्यान से देखो, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? नहीं सर, प्रॉफिट होगा। सर ये तो प्रॉफिट वाले में आएगा कि प्रॉफिट हो गया कितने का, 21 का, है ना। 21 रुपीज का क्या हो गया बच्चों, प्रॉफिट हो गया। लेकिन आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट। तो जरा यही निकाल दें, आप साइड में ही देखो जरा बच्चों, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला? प्रॉफिट कहता प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई में 100, है ना। क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई में 100, यही फॉर्मूला होता है ना प्रॉफिट परसेंट का। तो यही हमने लिख दिया डायरेक्ट। तो देखो 100 से क्या हो गया बच्चों, 100 से 100 कैंसिल, क्या बचा डायरेक्ट, बचा 21। तो 21% इज द राइट आंसर। लेकिन कौन सा 21% बच्चों आपका होगा प्रॉफिट, 21% होगा प्रॉफिट बच्चों। ऑप्शन गलत है तो जरा इसको सी ऑप्शन सही कर लेना, ठीक है। लिख लीजिए यहाँ पे 21% प्रॉफिट, 21% प्रॉफिट, ठीक है, 21% प्रॉफिट इज द राइट आंसर, ओके। चलिए आगे चलते हैं। फिर कहता है 9, ओहो बच्चों परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया। लेकिन डरना नहीं है, डरना नहीं है, क्या करना है, बिल्कुल जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता जाए वैसे वैसे लिखते जाओ। कहता है 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस, बच्चों लिखो 90% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, कॉस्ट प्राइस का मतलब सीपी, ये किसके इक्वल है बच्चों? कहता है ये इक्वल है 60% ऑफ, 60% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। और बच्चों याद रखना, जब ऐसी कंडीशन होगी ना कि परसेंटेज वाला दिया होगा, दोनों तरफ परसेंटेज है, तो बेटा परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। और एक बात बताऊं, जीरो से भी जीरो कैंसिल हो गया, ये लो जीरो से भी जीरो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, ये बचा 9 into CP = 6 into SP। अब आपको वाली बात ध्यान आ रही होगी बच्चों की, जो सीपी के साथ लिखा होता है वो क्या होता है, सीपी के साथ जो लिखा होता है वो होता है एसपी, और जो एसपी के साथ लिखा होता है वो क्या होता है, सीपी, है ना। यही किया था हमने क्वेश्चन में, यही किया था क्वेश्चन में, याद होगा आपको, है ना। तो सीपी कितना हो गया बच्चों, इसके अकॉर्डिंग सीपी हो गया आपका कितना, सीपी हो गया सर 6, है ना। और सेलिंग प्राइस कितना हो गया सर, सेलिंग प्राइस हो गया 9। और बच्चों जब ज्यादा में बेचेंगे कम में खरीदेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितने रुपीज का हो गया, प्रॉफिट हो गया 3 का, है ना, प्रॉफिट हो गया 3 का। बस अब निकाल दो प्रॉफिट परसेंट, देखो कितना आसान है। कहो सर अभी तो बताया था आपने प्रॉफिट के फॉर्मूला क्या है, परसेंट प्रॉफिट का, है ना, कि प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, यही करते हैं। अब जरा डिवाइड कर दो, 3 × 2 = 6, और 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 50, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ, देख रहे हो, देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, 50% का प्रॉफिट ले रहा है दुकानदार, कितना 50%। बस हो गया क्वेश्चन, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो पहले कराया था, रेशियो वाला ही या आर्टिकल वाला, बस उसमें क्या करना आपको, परसेंटेज से परसेंटेज को रिमूव कर देना, ये बात याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ओके। आगे चलें जरा, कह रहा देखो फिर से यही क्वेश्चन आ गया, है ना, लिखें इसे, चलो लिखते हैं। कहता है 50% ऑफ सेलिंग प्राइस, 50% ऑफ सेलिंग प्राइस, इट मीन सेलिंग प्राइस हो गया, और कहोगे सर ऑफ की जगह आप लिख दो मल्टीप्लाई, है ना। और ये किसके इक्वल है बच्चों, ये इक्वल है 30% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो 30% ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस की जगह सीपी, है ना। क्या बताया था कि पहले तो परसेंट से परसेंट कैंसिल करो, जीरो से जीरो कैंसिल करो, और जो सीपी के एसपी के साथ है वो सीपी है, है ना, और जो सीपी के साथ है वो क्या है, वो आपका एसपी है। बस हो गया क्वेश्चन, देखो यहीं खत्म हो गया, अब तो सॉल्व हो जाएगा कि सीपी कितना हो गया, तो सर सीपी हो गया 5, एसपी कितना हो गया सर, एसपी हो गया 3। और बच्चों इस कंडीशन में क्या हो गया आपको, इसका होगा सर इस कंडीशन में हो गया हमको लॉस, और कितने रुपीज का लॉस हुआ, यानी कि 2 रुपीज का मान लेते हैं, है ना, तो 2 का लॉस हो गया। अब लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, कहता है लॉस अपॉन सीपी, यानी कि लॉस अपॉन सीपी बच्चों कितना है, 5 और मल्टीप्लाई में 100। जरा डिवाइड कर दें, 5 से बच्चों डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 20, और 22 जा कितना आएगा 40%, 22 जा कितना आएगा 40%, यही आपका क्या हो जाएगा लॉस। तो 40% का क्या हो रहा है बच्चों, लॉस हो रहा है, 40% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। देखो कितने आसान क्वेश्चन है ना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चों। अच्छा अब बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ लिया, अब ऐसे ही एक और वर्ड होता है डिस्काउंट। मार्केट गए हो ना, तो मार्केट जब हम जाते हैं बच्चों तो डिस्काउंट मिलता है कि नहीं, कि ये जैसे आप कपड़े खरीदने जाते हो कि 20% ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों, वही डिस्काउंट होता है ना।
कि 20% आपको क्या दे दिया, ऑफ दे दिया। जैसे मार्केट में हम आलू खरीदने जाते हैं तो ऊपर से हम क्या करते हैं, धनिया ले लेते हैं, मिर्च ले लेते हैं, वही डिस्काउंट होता है ना। जो एक्स्ट्रा अमाउंट में छूट मिलती है क्या होती है बच्चों, वो डिस्काउंट हो जाता है। अब डिस्काउंट समझिए, तो डिस्काउंट को समझने के लिए बच्चों दो चीज़ें होती हैं। एक होता सबसे पहले एमपी, मार्क प्राइस। जब भी आप बच्चों, ये एम है, एमपी क्या है बच्चों, एमपी। और आपको पता है ना एमपी का मतलब क्या होता है, जैसे आप बच्चों कोई भी चॉकलेट खरीदो या बिस्किट खरीदो है ना, उस पर लिखा होता है ना एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वही क्या होता है उसका, वही होता है बच्चों उसका एमआरपी। तो देखो लिखा हुआ है ना प्राइस अमाउंट और लेबल्ड, लेबल्ड का मतलब जो छपा हुआ होता है किसी आर्टिकल के ऊपर, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका लिस्टेड प्राइस भी बोल सकते हैं बच्चों और मार्क प्राइस भी बोल सकते हैं ना। अब जैसे आप सपोज करो एक लड़का है ना, एक लड़का है वो बिस्किट खरीदने गया है ना, बिस्किट के ऊपर लिखा होता है 10 रुपीज, लेकिन वो रोने लगा, क्या हो गया, वो रोने लगा। और जैसे ही वो रोने लगा तो उसने क्या किया, दुकानदार ने बोला कि काम करो इसको 8 रुपीज में सेल कर दो, 8 रुपीज में दे दो इसे, है ना। तो बच्चों जब प्राइस कम करता है तो उसने कितना प्राइस कम किया, 2 रुपीज, यही क्या है बच्चों, यही है डिस्काउंट, यही है आपका डिस्काउंट। तो जो प्राइस हम कम कर देते हैं ना मार्क प्राइस पे, उसी को डिस्काउंट बोलते हैं, है ना। तो देखो डिस्काउंट के बाद क्या होगा बच्चों, हम करेंगे उसको सेल, और सेल का मतलब ही क्या होता है, सेलिंग प्राइस। ये तो आपको पता, ये पीछे पढ़ के आए अभी। और बच्चों डिस्काउंट हमेशा क्या होगा, डिस्काउंट हमेशा कब होगा, जब एमपी क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस से ज्यादा, है ना, याद रखेंगे एमपी हमेशा ज्यादा होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है। ओके, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। अब बच्चों ये बहुत सारे फॉर्मूले है ना, कहता है डिस्काउंट कैसे निकालना है बच्चों, तो डिस्काउंट निकालना है एमपी में से सेलिंग प्राइस को क्या कर देंगे, माइनस। अच्छा डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालना है, तो डिस्काउंट अपॉन एमपी मल्टीप्लाई 100। अभी यहीं तक यूज करेंगे, ये दोनों फॉर्मूले बाद में आपको बताएंगे, है ना। तो चलो जरा आगे देखो, फिर कहता है बच्चों अब क्वेश्चन पाते हैं, कहता है मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 700 रुपीज। बच्चों मार्क प्राइस का मतलब क्या है, मार्क प्राइस का मतलब एमपी हो गया, कितना एमपी हो गया, 700 एमपी हो गया, 700। और इसको सेल कितने में किया गया है, सेल किया गया है सर 625 में। तो बच्चों डिस्काउंट हो गया, अब डिस्काउंट पूछा जाएगा तो क्या करना है, डिस्काउंट के लिए दोनों को कर दो माइनस, दोनों को माइनस कर दो, और माइनस कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 75 का, 75 रुपीज क्या है इसका डिस्काउंट, है ना। जितने पैसे हमें कम देने पड़े एमपी पर, वही क्या है, वही हमारा डिस्काउंट हो जाता है ना। आगे चलते हैं जरा, फिर कहता है फाइंड द लिस्टेड प्राइस। बच्चों इससे घबराएंगे नहीं, ठीक है, लिस्टेड प्राइस का मतलब भी क्या होता है, एमपी। लिस्टेड प्राइस का मतलब भी क्या है बच्चों, एमपी है। तो एमपी कितना गिवन है आपको, एमपी गिवन कितना है, एमपी गिवन है आपको 5000, है ना। और सेल कितने में किया गया है, सेल किया गया है आपको 4000 में, है ना। तो जरा देखो, फिर कहता है फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। अभी डिस्काउंट परसेंट निकालना सिखा देते हैं एक ही सेकंड में, है ना। बच्चों देखो जरा, पहले तो डिस्काउंट निकालो, डिस्काउंट कितने का होगा, डिस्काउंट होगा आपका 1000 का, कितने का होगा, 1000 का होगा डिस्काउंट। अब डिस्काउंट निकालने के बाद क्या निकालना है, परसेंट डिस्काउंट। तो बच्चों परसेंट डिस्काउंट कैसे निकालना है, फॉर्मूला है डिस्काउंट अपॉन एमपी इनटू में 100। याद रखेंगे डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है ना। जैसे प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट कर रहे थे हम, हमेशा सीपी पर, ऐसी बच्चों डिस्काउंट हमेशा किस पर कैलकुलेट होगा, एमपी पर, हमेशा अपॉन में क्या आएगा, एमपी आएगा। तो जरा डिस्काउंट की वैल्यू रखो, देखो बच्चों डिस्काउंट कितना था 1000 का, मार्क प्राइस कितना था, मार्क प्राइस था 5000 का, और मल्टीप्लाई 100। तो देखो डबल 000 से 000 कैंसिल, 5 से कैंसिल करो, कितना आ जाएगा 20। इसका मतलब कितना का डिस्काउंट दिया बच्चों, 20% का क्या दिया है डिस्काउंट, 20% का क्या दिया है डिस्काउंट दिया। ए और सी दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए, इसको बच्चों 30 कर लो, चलो है ना 30, और इसको कर लो 35, ठीक है। तो 20% क्या इसका आंसर, ओके हमें तो आंसर से मतलब है। चलिए आगे चलते हैं, एक और देखते हैं, कहता बच्चों द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। अब बच्चों जरा ध्यान दो, है ना, मार्क प्राइस गिवन है, क्या है, मार्क प्राइस गिवन है कितना, 6000। जरा लिखें इसको, इसको भी देखो आसानी से बताता हूँ, मार्क प्राइस कितना है बच्चों, मार्क प्राइस है 6000, है ना। और डिस्काउंट परसेंट, और सोल्ड क्या है बच्चों, सोल्ड क्या, कितना, 15% डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट किया गया 15% का, और पूछा गया सेलिंग प्राइस, पूछा गया बच्चों आपसे सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस निकालना है। अब जरा देखें सेलिंग प्राइस कैसे निकालना है, अब मैं बिल्कुल सीपी वाला तरीका बताऊंगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। क्या करते हैं बच्चों, जब एमपी का क्वेश्चन हो यानी कि डिस्काउंट का, तो एमपी को 100 लेट कर लो,
एमपी को क्या कर लो 100 लेट कर लो। और बच्चों आपको पता है ना डिस्काउंट हमेशा क्या होगा माइनस, कभी डिस्काउंट प्लस सुना है आपने? नहीं, डिस्काउंट हमेशा कैसा होता है माइनस। तो बच्चों क्या करेंगे एमपी में से ही डिस्काउंट को माइनस कर दो, तो डिस्काउंट कितना है 15%। और जब डिस्काउंट को माइनस करते हैं ना बच्चों तो उसके बाद आता है सेलिंग प्राइस, जैसे सीपी में आता था है ना, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा तो सर 85 हो गया, कितना हो गया 85 हो गया। अब जब 85 हो गया तो क्या करना है, करना सर आपको तो एसपी निकालना है। अब जरा मेरी बात को याद करना, मैंने क्या बताया था बच्चों, मैंने बताया था इन दोनों में से जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको लिखते हैं ऊपर, तो एसपी निकालना है तो एसपी ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यस सर, और जो उसकी दूसरी वैल्यू होती है वो आ जाएगी नीचे यानी कि 100, और मल्टीप्लाई में बच्चों क्या आ जाएगा 6000 यानी कि जो वैल्यू गिवन है एमपी की। ओके, तो देखो 00 से 00 क्या बचा बच्चों, ये आपका बचा 85 मल्टीप्लाई 60। अब जब 85 के मल्टीप्लाई 60 से करेंगे तो कितना होगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 5100 है ना। क्योंकि सर कैसे किया बच्चों, प्रैक्टिस, यही तो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आ जाएगा जल्दी से है ना, नहीं तो आपको तो ऐसे तो करना ही पड़ेगा फिर कि 85 लिखोगे 60 लिखोगे और मल्टीप्लाई करो और ऐसे बहुत टाइम लग जाता है ना। तो क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे आपको भी आ जाएगा। आगे चलें, अब बच्चों इसी क्वेश्चन को देखो पलट दिया, कह रहा है इस बार ना दिया है सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 720 रुपीज। अब इस बार क्या है बच्चों, इस बार आपको गिवन है सेलिंग प्राइस कितना 720 रुपीज का सेलिंग प्राइस गिवन है। अच्छा डिस्काउंट कितने का है, सर डिस्काउंट है 20% का, डिस्काउंट है 20% का। अब जब भाई एसपी गिवन है तो जाहिर सी बात है क्या पूछा जाएगा आपसे, एमपी पूछा जाएगा, तो एमपी पूछा गया। अब एमपी क्या है तो इसके लिए फिर से टेबल बनाओ है ना, ये छोटी सी मैंने क्या बताया था बच्चों, एमपी को क्या लेट करेंगे, एमपी को लेट करेंगे 100, एमपी को लेट करेंगे 100 है ना। और डिस्काउंट को क्या करना बच्चों, डिस्काउंट को सर आपको बताया था डिस्काउंट को करना है माइनस, तो कितना माइनस करना है 20%। तो जैसे ही माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा बच्चों, आ जाएगा एसपी, और एसपी कितना हो जाएगा 80 है ना। अब जरा ध्यान दो, हमें निकालने का बच्चों एमपी निकालना है ना, एमपी निकालना है, फाइंड करना है, तो जिसको फाइंड करना होता वो ऊपर, यानी कि एमपी कितना है 100, तो ऊपर आएगा इस बार 100, नीचे आएगा 80 है ना, क्योंकि एसपी है अपॉन में 7200। अब कैंसिल कर दें, जरा 0 से 0 कैंसिल और 8 से कैंसिल करो बच्चों, तो 8 से कैंसिल करें कितना आ जाएगा 90 की मल्टीप्लाई 100 में करो, 100 की मल्टीप्लाई 90 में करो, तो बच्चों 0 की मल्टीप्लाई करना देखो कितना आसान होता है, जितनी भी 0 थे काउंट करके लिख दो 1 2 3 और 9 1 9, दैट्स इट, यही आपका क्या है आंसर, यही क्या है आपका आंसर, यानी कि 9000 इज द राइट आंसर, 9000 इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, क्या है 9000 इज द राइट आंसर। देखो बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं है ना, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। अब देखो बच्चों वही क्वेश्चन आ गया, रेशियो वाला भी इसमें आता है, किसमें, मार्क प्राइस में और सेलिंग प्राइस में रेशियो वाला क्वेश्चन भी आता है, तो कैसे करना है जरा फिर से वही कहानी की लिखने का तरीका, कि पहले लिखो जो गिवन है कि रेशियो बिटवीन एमपी एंड सेलिंग प्राइस, तो बच्चों लिखेंगे एमपी इज टू एसपी, ये गिवन है आपको क्या, ये गिवन है 5:4। उसके बाद मैंने क्या बताया था याद करो, तो सर आपने बताया था इन दोनों को फ्रैक्शन में लिख दो, इन दोनों को फ्रैक्शन में लिख दो, तो फ्रैक्शन में लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 5/4। और उसके बाद आपने ये बताया था नीचे फिर क्या हो जाएगा एसपी, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एमपी। तो यहीं से जरा कैलकुलेट कर लें इसे, कि डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट हो जाएगा 1 का है ना, 1 का डिस्काउंट होगा ना, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया परसेंट डिस्काउंट, और परसेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहां लिख दूं, परसेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन एमपी इनटू 100 है ना, इनटू 100। तो डायरेक्ट करते हैं, देखो जरा परसेंट डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट यानी कि 1, एमपी यानी कि 5 और मल्टीप्लाई में 100। अब जरा डिवाइड कर दो बच्चों, 5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 20, और 20 बन जा 20, इट मींस 20% का क्या दिया गया है उसको, डिस्काउंट। 20% का क्या दिया गया बच्चों, उसको डिस्काउंट दिया गया है। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं, फिर देखो कहता है रेशियो बिटवीन, इस बार बच्चों वैल्यू पलट दी है उसने, इस बार क्या किया है, पहले दिया है एसपी और उसके बाद में रेशियो, उसके बाद फिर दिया है एमपी, क्या है इक्वल, ये है 3:4, क्या है 3:4। अब बच्चों आपको पता है ना, अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, एसपी अपॉन एमपी इज इक्वल टू 3/4। अब क्या हुआ, अब एसपी हो गया 3 और मार्क प्राइस कितना हो गया 4। बच्चों याद रखना, हमेशा सीपी और
एसपी और एमपी में डिस्काउंट ही होगा, और डिस्काउंट कितने का बच्चों, डिस्काउंट हो गया आपका 1 का। बस कर दो कैलकुलेट, क्या कहता है परसेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला अभी लिखा था बच्चों, क्या होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू में 100, है ना। कैंसिल कर दें, 4 से कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा 25, और 25 वंजा कितना होता है बच्चों 25% इज द राइट आंसर। बस देखो हो गया सॉल्व कितनी जल्दी, है ना। आगे चलते हैं, फिर कहता है फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट 10% एंड 20%। अब बच्चों एक और आता है ना, कभी होता है डिस्काउंट के ऊपर भी डिस्काउंट दिया जाता है। सक्सेसिव का मतलब बच्चों क्या होता है, डिस्काउंट के ऊपर भी डिस्काउंट। अब आपको अगर दो डिस्काउंट दिए हैं तो इनकी वैल्यू कैसे निकालनी है, है ना, इनकी वैल्यू कैसे निकालनी है। तो बच्चों इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस एक फॉर्मूला आता है कि 100 माइनस, चलो मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ जरा, है ना। पहला फॉर्मूला देखो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कहाँ ये। देखो बच्चों ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला, क्या करते हैं 100 माइनस 100 मल्टीप्लाई 100 माइनस d1 का मतलब बच्चों क्या होता है पहला डिस्काउंट मल्टीप्लाई d2, है ना। ऐसे ही करके जितने डिस्काउंट आपको दिया उसे माइनस कर देंगे। अब जरा हम वापस अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं, है ना, इसी बात में क्या कहता है 100 माइनस 100 मल्टीप्लाई बच्चों, है ना, क्या करना है 100 में से ही जो भी डिस्काउंट आपको गिवन है उसे माइनस कर दो, तो 100 माइनस 10 और अपॉन में 100, है ना। अब दूसरा डिस्काउंट देखो बच्चों, दूसरा डिस्काउंट क्या है 100 माइनस 20 कर दो और अपॉन में क्या आ जाएगा 100। बस दो डिस्काउंट है तो दो बार करेंगे, तीन होता तीन बार कर देते। अब सॉल्व करें 100 माइनस 100 मल्टीप्लाई बच्चों क्या होगा 100 में से 10 गया कहो सर 90/100 मल्टीप्लाई 100 में से 20 गया 80/100। अब पहले इसको कैंसिल करो बच्चों, है ना, जीरो से तो जीरो कैंसिल, है ना, और एक दो यानी कि डबल जीरो से ये दोनों जीरो भी कैंसिल, क्या बचा 9 और 8, और 9 8 जब बच्चों कितना हुआ 72 और 100 में से 72 गया तो कितना आएगा 28% 28%। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड करके लिखता तो कितना आना चाहिए था 30, लेकिन ये गलत है, ये क्या है बच्चों गलत है, है ना। कभी भी सक्सेसिव डिस्काउंट को ऐड नहीं करना, उसको इसी फॉर्मूले से करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 28%। अब आगे चलें, है ना, एक और क्वेश्चन देखते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट का। देखो इस बार 3 डिस्काउंट दिए बच्चों, इस बार 3 डिस्काउंट है, है ना, तो 3 डिस्काउंट होंगे तो भी नहीं घबराना, क्या लिखना है लिखो, और सर 100 माइनस 100 मल्टीप्लाई 100 माइनस जो डिस्काउंट आपको गिवन है उसे माइनस करके अपॉन में 100 लिख दो, है ना। फिर दूसरा करो कि 100 माइनस, फिर दूसरा डिस्काउंट क्या है 20/100 लिख दो। उसके बाद बच्चों फिर से क्या है, फिर कहता है 100 माइनस 30/100, जितने भी डिस्काउंट है उसको 100 में से माइनस कर दो। अब सॉल्व कर दें जरा, चलो सॉल्व करते हैं 100 माइनस 100 मल्टीप्लाई बच्चों 10 में 100 में से 10 गया तो क्या आ जाएगा 90/100 मल्टीप्लाई 80/100 मल्टीप्लाई 70/100, है ना, यही होगा। अब उसके बाद क्या करना था सर, पहले तो जीरो से जीरो कैंसिल करो, है ना, तो कैसे कैंसिल होगा 1 2 1 2 1 से 1 1 से 1 और यहाँ 1 0 से 1 0। अब बच्चों क्या बच गया, ये बच गया आपका 100 माइनस 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 और अपॉन में 0। तो सर अब जीरो का क्या करें, तो पहले बच्चों क्या करो आप ना इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 9 8 और 7 की, तो कितना आएगा 9 8 जा 72 और 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 2 जा 14 और 1 यानी कि 50, है ना, क्या आ जाएगा 504। तो बच्चों इसको लिखना ऐसे 100 माइनस 504 अपॉन में 10। अब बच्चों ये आपको पता है कि नहीं, जब नीचे से जीरो हटाते हैं तो ऊपर पॉइंट लग जाता है, जितनी ही जीरो रिमूव करेंगे उतनी ही डिजिट के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा। तो मैंने नीचे से एक जीरो हटाई, ऊपर पॉइंट लगा दिया एक डिजिट के बाद, तो क्या बन गया, ये बन गया आपका, ये बन गया बच्चों आपका क्या 100 माइनस 50.4 और अब इसे माइनस कर दो, और जब आप माइनस करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 49.6%, है ना। कैसे माइनस करते हैं देखो आपको बता देता हूँ, माइनस करने क्या करना है 100 में से माइनस करना है किसको 50.4 को। तो बच्चों पता है ना पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल,
बस माइनस कर दीजिए, 10 में से 4 गया 6, 9 का 9 और 9 में से 5 गया बच्चों क्या आ जाएगा 4, यानी कि 49.6, यही क्या है इसका राइट आंसर। अब जरा खुद देखो ध्यान से बच्चों, अगर मैं इसको ऐड करके लिखता तो कितना परसेंट आना चाहिए था, 60% एक साथ लिखता तो, लेकिन ये क्या है गलत है ना, ये क्या है बच्चों गलत है। तो आगे से आप कभी भी डिस्काउंट में क्या नहीं होगे, धोखा नहीं खाओगे, है ना। अगर आपको कोई बोले कि ये वाला डिस्काउंट लोगे कि अलग से ये वाला लोगे, तो बोलना कि सर हम क्या लेंगे, एक सिंगल डिस्काउंट वाला, है ना, सक्सेसिव डिस्काउंट वाला नहीं लेंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट वाला नहीं लेंगे। ओके बच्चों समझ गए, तो यही था आपका प्रॉफिट एंड लॉस, एंड देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा है आपको डिस्काउंट। आई होप आप सभी के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नई एनर्जी के साथ, है ना। ओके, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय बच्चों, थैंक यू।